फिर से मोहब्बत हो सकेगी, फिर से मोहब्बत हो सकेगी, मुमकिन नहीं दिल ने कहा, हो भी गई तो वो भरोसा अब नहीं होगा यहाँ। फिर से मोहब्बत हो सकेगी, मुमकिन नहीं दिल ने कहा, हो भी गई तो वो भरोसा अब नहीं होगा यहाँ। टूट कर दिल ये बेचारा घायल था, मायूस भी उस पर यहाँ सुनने मिला, उम्र देखो बढ़ रही। इश्क से डरती न थी, इश्क से डरती न थी, डरती थी पर इस बात से, इश्क फिर से अब यहाँ ना पाऊंगी इस राह में। I was not scared to fall in love again. I was scared of finding love again. जब एक उम्र एक इंसान के साथ गुजरे and it doesn't work out, it hurts. When people tell you, you are not good in finding love, it hurts. I was earning good. I was happy. I didn't need anyone. But to be honest, I wanted to be with someone. See, मैं ना romantic types की हूँ और साथ में poet भी, तो लाजिम है ये सब होना। और उस पर लोगों का कहना कि उम्र बढ़ रही है, देख काम कब तक करती रहेगी, सेटल हो जा, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। बेटा टाइम निकल जाए तो इंसान बड़ा रोता है। बात शादी की यहाँ होने लगी थी अब मगर, बात शादी की यहाँ होने लगी थी अब मगर, जो प्यार दे इज्जत भी दे, चाहत थी ऐसा हम सफ़र। As I said, I was not scared to fall in love again. प्यार ना बार बार होता है, एक ही बार नहीं होता। हाँ, एक जैसा प्यार हर बार नहीं होता। तो सोचा ठीक है, शादी वाला प्यार भी कर लेंगे। आई मीन लुक एट माई मॉम एंड डैड, दिस वॉज एन अरेंज मैरिज, प्यार है, इज्जत है, भरोसा है, सब कुछ है, राइट? तो ठीक है, बस मेरी ठीक है का इंतज़ार था। एंड माई प्रोफाइल वॉज मेड ऑन ऑल पॉसिबल साइड्स एंड देन कॉन्वर्सेशंस बिगैन विद वेरियस फैमिलीज एंड गाइज। मेरे पेरेंट्स को चाहिए था एक अच्छे घर का अच्छा लड़का और मुझे प्यार और इज्जत। दिक्कत वहीं थी, somebody wanted me to be a housewife, some said you are too bold to be a bride. एक ने बोला non virgin is not accepted. The look in his eyes, I feel disgusted. Then there was a person जिसने मुझे बोला कि प्याज व्याज नहीं चलेगा, बंद करना पड़ेगा। उसके पप्पा ने बोला बेटा पोएट्री वोएट्री कब तक चलेगा। I don't hate them, I hate the system. Rejections were there, reasons were weird. What really was I? Nobody cared. बहुत superficial था यार सब, बहुत superficial. और was it about me? I didn't know what to say, what not to. मेरी cool सी लगने वाली दादी ने पूछा, बेटा ये क्या कर रही है, कब तक चलेगा? हाँ, तू अपने अरेंज मैरिज में लव वाला एंगल ढूंढ रही है, कनेक्ट क्लिक क्या लगा रखा है, शादी के बाद सब हो जाएगा। बट दिस रेबल वॉज नॉट रेडी टू बी कन्विंस्ड। मॉम डैड का ज़माना कुछ और था या मेरी सोच, एक्चुअली दोनों। मुझे ना अब खुद के लिए करना था, कुएं में गिरना है तो अपनी पसंद के कुएं में गिरना था। तो बस डिसाइड किया कि अब ना मैं खुद संभालूंगी और बस ऐप्स की दुनिया में चली गई। ऐप्स की दुनिया बहुत अलग थी, हर किसी की अपनी अकड़ थी। बिना देखे बिना बात किए एक्सेप्ट रिजेक्ट होता था, फ्यू वर इंटरेस्टिंग बट मेजॉरिटी धोखा था, डिलीटेड। देन मैजिक हैपेंड, एक चिराग मिला। फ्रेंड ने सजेस्ट किया था और कहा था कि इसका ना सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, सीरियस लोगों के मिलने का अच्छा बंदोबस्त था। तो फिर क्या, चिराग को घिसा गया, कनेक्ट क्लिक सब हुआ एंड देयर वाज अ मैच। आई वाज वेरी हैप्पी। बातें शुरू हुई और ज़्यादा हो नहीं पाई, बहुत टाइम बात कर रहे थे यार। तो बस थोड़ा सा ब्रेक, बट देन वी कनेक्टेड अगैन, दिस टाइम नॉट टू डिसकनेक्ट। चैट से बातें शिफ्ट हुई कॉल्स पे और मीटिंग फिक्स हुई मिलने की। जब मिले तो देखा कि हम लोग सुपर अलग थे, मैं चाय वाली थी, वो कॉफ़ी वाला था, मैं पीडीए वाली थी, वो बहुत शाय टाइप का था। बट देन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, राइट? सो डिड वी। एक दूजे का अलग होना बखरता नहीं था और एक दूजे के बिना अब मन लगता नहीं था। भरोसा भी हुआ, दिल ने किया इकरार भी, टकरार लाजिम थी यहाँ जब हो गया था प्यार। फिर इस टकरार और इकरार में म्यूचुअली हाँ हो गई थी, मोहब्बत जिसे लिखती थी फिर एक बार हो गई थी। अब पेरेंट्स को समझाना लगा एक टास्क है, बट वी वर लकी, पेरेंट्स जल्दी मान गए। रिलेटिव्स का इशू था, स्पेशली माय दादी,
एंड आई वॉज हैप्पी कि आई फेल इन लव प्रायर टू शादी. एंड वो आज भी मुझे बोलता है कि सारी दुनिया छोड़ के कैप में मिली तू, सारी दुनिया छोड़ के कैप में मिली तू. मैं भी बोल देती हूँ कि अबे ओए इट वॉज मी हु फाउंड यू. अब जीना मरना एवरीथिंग इज़ विद यू. एंड हाँ सुन, आई एम ट्रूली मैडली इन लव विद यू. थैंक यू.